जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं माई बिगिन फो यूट्यूब चैनल और आज का वीडियो रहने वाला है नथिंग फोन 2A को लेकर। ये फोन काफी हाइप में रहा है और सेल में आने के बाद तो इसकी हाइप बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है। कंपनी ने बताया यहाँ पर एक घंटे के अंदर इन्होंने 60,000 डिवाइस सेल कर दिए थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। क्योंकि अभी तक क्या होता है, नथिंग फोन 1 और नथिंग फोन 2 लॉन्च किए गए थे काफी ज्यादा प्राइस पर, जो 30-40 हज़ार रुपये के प्राइस पे आए थे, जो कि इंडिया के मार्केट को अच्छे से कवर नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर इसके फाउंडर ने सोचा कि इंडिया की मार्केट को कवर करने के लिए एक बजट फ़ोन होना चाहिए, मिड रेंज फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि मिड रेंज फ़ोन में इंडिया में काफ़ी बड़ा मार्केट है। तो ऐसे में यहाँ पर निकाला उन्होंने 24,000 रुपये का फ़ोन, कार्ड वगैरह लगा के 22,000 के आसपास मिल जाता है नथिंग फोन 2A। अब इस फ़ोन के बारे में काफ़ी सारे वीडियो आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, जहाँ पर प्रमोशन में पैसे लेकर कंपनी इनसे वीडियो बनवाती है, वहाँ पे उसकी अच्छाइयाँ बताई जाती हैं, इसकी बुराइयों के बारे में बात ज़्यादा नहीं की जाती है। लेकिन हमने ये फ़ोन अपने पैसों से ख़रीदा है और इसकी क्या सच्चाई है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, दोनों ही पार्ट आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं एकदम से। या तो आपने ये फ़ोन ले लिया होगा या आप लेने के प्लान कर रहे होंगे, तो दोनों ही केस में आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो यहाँ पर आपकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों बताएंगे, जिससे कि एक रियल आपको पता चलेगा ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या किनको नहीं लेना चाहिए, या फिर इस फ़ोन के अंदर ऐसी क्या बात है, इतना हाइप क्यों है, पूरी बात करेंगे डिटेल में। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं कुछ काम जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। चलो आज इसकी डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें बॉक्स को लेकर, तो बॉक्स का यहाँ पर कुछ इस तरह का डिज़ाइन आता है, आप इसकी अनबॉक्सिंग हमारे चैनल पर देख पाएंगे। अब उस बॉक्स को हम ओपन करते हैं तो आपको इस तरह से बॉक्स मिलता है, जो कि सबसे गंदा दिखता है, क्योंकि ये जो कवर सारी डिटेल्स के ऊपर लिखी गई है आप कैसे संभाल के रखेंगे। और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, वो इस तरीके से, वो ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो मेन है इसको संभाल के आपको रखना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कभी आप सेल करते हैं तो ये बॉक्स ज़रूरत पड़ी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये बॉक्स पैकिंग इतनी अच्छी नहीं है, जो इनको सैमसंग और दूसरे जो फ़ोन आते हैं अच्छे ब्रांड के, उनकी तरह बॉक्स पैकिंग देनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बॉक्स पैकिंग से स्टार्ट की है हमने, तो यहाँ पे इसकी बॉक्स पैकिंग इतनी अच्छी नहीं है। अब बात करेंगे फ़ोन के बारे में, तो फ़ोन का लुक कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर आपको सामने की तरह एक यूनिफॉर्म ब्रेजल मिल जाएंगे। यूनिफॉर्म ब्रेजल का मतलब जो इसकी जो ब्रेजल है वो चारों साइड से बराबर हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लुक देते हैं जब आप यूज़ करेंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब आपका जो वीडियो एंगल है, वीडियो देख रहे हैं या फिर मल्टीमीडिया प्ले कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको प्रीमियम लुक दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो ब्रेजल की वजह से। फ़ोन काफ़ी बड़ा है, 6.67 इंच की जो फुल एचडी डिस्प्ले है, काफ़ी बड़ा फ़ोन है, बल्कि दिखता है। लेकिन जब आप हैंड पकड़ते हैं, हाथ में लेते हैं, तो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होगा, क्योंकि जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे इंस्पायर होकर आता है आईफोन के साथ। जी हाँ, नथिंग फ़ोन हमेशा ट्राई करता है आईफोन से कंपेयर करके अपने वीडियोज़ अपने बनाने के लिए। तो वहाँ पर आपको यहाँ पर इसकी बॉक्सी डिज़ाइन मिल जाएगा, जिसकी वजह से ये काफ़ी कंफर्टेबल लेता है, देता है अपने हाथ, इन हैंड फील काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का। तो सबसे पहले हम आज इसके पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए बॉक्स डिज़ाइन, बॉक्सी डिज़ाइन है, आईफोन से इंस्पायर है, तो पकड़ने में काफ़ी अच्छा है। बड़ा होने के बाद भी आप कंफर्टेबल लगेगा, आप ज़्यादा से कोई शिकायत नहीं होगी आपको। यहाँ पे पीछे की तरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का, प्लास्टिक है, अभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन जब पीछे हमें यहाँ पे ट्रांसपेरेंट दिख जाता है, जो आपको लुक अच्छा लगता है देखने में। कुछ लोगों को ये डिपेंड करता है, ये क्या होता है, जो डिज़ाइन होता है वो डिपेंड करता है लोगों पे, लोग मतलब आपको कैसा, किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है, तो ये डिपेंड करता है अपने अपने टेस्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आपको ये और सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब बात करें यहाँ पर जो स्टूडियो स्पीकर है, यहाँ पर नीचे की तरफ दिया गया है, लेकिन यहाँ पर डॉल्बी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, जो कि इस प्राइस रेंज में काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं जो डॉल्बी का सपोर्ट देती हैं। स्पीकर से कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको यहीं से स्पीकर मिलता है, साथ में जो ईयरफोन का स्पीकर है वो भी काम करता है, लाउड है काफ़ी, तो वॉल्यूम से ऐसी परेशानी नहीं होगी। लेकिन डॉल्बी डिजिटल होता तो काफ़ी और बेहतर हो सकता था। साथ में वेट बैलेंसिंग काफ़ी अच्छा है फ़ोन का, इसकी वजह से क्या है, आप इन हैंड फील लॉन्ग टाइम तक इसको यूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिस्प्ले की जो चौड़ाई है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो आपको डिस्प्ले यूज़ करने में मज़ा आएगा, इसकी डिस्प्ले बहुत अच्छी लगेगी आपको यूज़ करने में अदर फोन की अपेक्षा।
ब्राइटनेस की बात करें तो नथिंग फॉल हमेशा ब्राइटनेस में पीछे रह जाता है और इसकी जो 1300 निट की ब्राइट बताते हैं, लेकिन आप इसको आउटडोर में फील देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा इसकी डिस्प्ले को देखने के लिए। वहीं इसी रेंज के जो फ़ोन आते हैं दूसरे, वहाँ वो आसानी से इस चीज़ को हैंडल कर पाते हैं। जैसे कि और अगर हमने लास्ट टाइम हमने फ़ोन मोटो का जो मोटो एज 40 न्यू लॉन्च हुआ था उसकी हमने अनबॉक्सिंग की थी, उसको हमने काफ़ी दिन तक यूज़ किया था उस फ़ोन को, उसके अंदर सिर्फ 1200 निट्स की ब्राइटनेस है, लेकिन वो काफ़ी अच्छा आउटडोर में भी काफ़ी अच्छा उसका जो ब्राइट डिस्प्ले दिखाई देता है। मीडिया वगैरह की बात करें तो वहाँ पे आप उसकी थोड़ा सा कलर अच्छे बूस्ट कलर होकर आते हैं, क्योंकि वहाँ PAOLED डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। 10 बिट इसके अंदर भी है, लेकिन यहाँ PAOLED ना होगी या फुल HD है, तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जब आप YouTube वगैरह पे वीडियोज़ वगैरह देख रहे होंगे, तो उसके अंदर थोड़ा सा काफ़ी अच्छे बूस्ट कलर आते हैं और इसमें थोड़ा सा आपको वो बूस्टनेस नहीं मिलेगी अगर कंपेयर करेंगे तो, अदरवाइज़ काफ़ी डिस्प्ले अच्छी है। दूसरी बात करेंगे पॉजिटिव, यहाँ पे आपको मिल जाता है फास्ट चार्जिंग, 45 वॉट की चार्जिंग मिल जाती है, लेकिन नेगेटिव यहाँ पर है कि आपको चार्जर नहीं मिलेगा बॉक्स में, जबकि इस रेंज की जो फ़ोन आते हैं उनमें मोस्टली कंपनियाँ चार्जर देती हैं साथ में फास्ट, क्योंकि हर एक के पास तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट चार्जर नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग जरूर की गई है। यहाँ पे बात करेंगे 4K का जो सपोर्ट है कैमरे के अंदर वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे स्टेबल वीडियो देता है। यहाँ पे OIS का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आप यदि सेकी वीडियो आपका हाथ हिलता है या आप चलते हुए वीडियो बनाते हैं या ब्लॉगिंग करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है, वो पूरा स्टेबल आपको वीडियो मिलेगा इसके अंदर, वो इसमें अच्छी चीज़ है। साथ में दूसरी बात करेंगे यहाँ पे अलग से के या के अंदर जो HDR का सपोर्ट मिलता है, जो कि आप फुल HD प्लस वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब में प्ले कर पाएंगे, नेटफ्लिक्स वगैरह में आपको ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी। गेमिंग को पार्ट को लेकर देखिए तो नॉर्मल गेमिंग कर सकते हैं इस फोन से, हैवी गेम करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस फोन से आप बिल्कुल भी दूर रहें, क्योंकि ये हैवी फोन को टारगेट नहीं करता है। हीटिंग का इशू बात करें, मोस्टली फोन में क्या होता है जब आप चार्जिंग कर रहे हो या मल्टीमीडिया चला रहे हो तो हीटिंग का इशू मोस्टली फोनों में होता है, 42 डिग्री सेल्सियस तक फोन पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पर ये फोन इसमें एक पॉजिटिव है, ये हीटिंग का इशू आराम से हैंडल कर लेता है और ये 30 लोगों ने जो वीडियो देखे हैं और हीटिंग का बताया है वहाँ पे 37 से ऊपर नहीं जाता है, तो ये आपको एक पॉजिटिवनेस मिल जाएगी इसके अंदर, कोई हीटिंग का इशू इस फोन के अंदर नहीं है। तो ये तो कुछ पॉजिटिव थे, डिज़ाइन आपके हिसाब से है कि डिज़ाइन आपको कैसा लगता है। पॉजिटिव में एक और मेन पॉजिटिव है कि इसके अंदर कोई भी ब्लॉट ब्लर आपको नहीं मिलने वाला है, क्लीन UI मिलेगा, कोई भी फालतू के एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे, जो काम की एप्लीकेशन है वही कंपनी डाल के देती है। साथ में यहाँ पे इनका जो UI है वो काफ़ी अच्छा है, एक आप नॉर्मल फ़ोन चलाते हैं तो आप देखते होंगे एक नॉर्मल UI होता है, लेकिन इनका UI थोड़ा अलग से है, इसमें दोनों ही यूज़ कर पाएंगे आप, नथिंग का OS भी यूज़ कर पाएंगे लॉन्चर और जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है गूगल का वो भी यूज़ कर पाएंगे, तो जो अगर आप बोर फोन चलाते चलाते बोर हो जाते हैं तो यहाँ पर आप काफ़ी अच्छी मिल पाएगा और कोई भी लैग नहीं होता है इनके OS में, काफ़ी क्लीन UI है इनका, तो इसके मामले में बहुत ही बेहतर है। 3 साल का मेजर OS अपडेट मिलेगा, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स ये फ़ोन एंड्रॉयड 14 पे आता है, इसके बाद आपको 3 साल मिलेगा, मतलब 15, 16 और 17 एंड्रॉयड तक ये जाएगा फ़ोन, और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा है। जो लोग क्लीन UI सॉफ्टवेयर के मामले में अपडेट चाहते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, और टाइम टू टाइम इनके अपडेट आते भी हैं, सारे बग फिक्सेस भी करते हैं, इस मामले में ये कंपनी काफ़ी अच्छा ध्यान देती है सॉफ्टवेयर के मामले में। चलिए बहुत हो गया अभी यहाँ पर पॉजिटिवनेस के बारे में, अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव पार्ट को लेकर, क्योंकि आप लोग वीडियो आए देखने इसीलिए हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देख के डिसाइड कर पाएंगे इस फोन में नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। अब बात करेंगे यहाँ पे नेगेटिव को लेकर, जो बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं लेकिन बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट भी हैं इस फोन के, तो क्या नेगेटिव पॉइंट है? सबसे पहला बॉक्स तो हमने बता दिया, बॉक्स का अच्छा ना पैकिंग अच्छी नहीं है, वो नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा, इसके अंदर आपको चार्जर नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, आपको 2000 रुपये तक का आपको चार्जर लेना पड़ेगा 45 वॉट अगर ओरिजिनल पे जाते हैं तो, अदरवाइज 1000 रुपये का चार्जर तो आने ही वाला है, तो ये सबसे बड़ी बात है। 22-23-24 हज़ार रुपये का फ़ोन दे रहे हैं, चार्जर जरूर देना चाहिए। अगली बार बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है प्लास्टिक बॉडी है, ट्रांसपेरेंट बॉडी है, बट इस प्राइस रेंज में वीगन लेदर भी आता है, ग्लास टेक्सचर भी, ग्लास पैनल भी आता है बैक पे, जो काफ़ी प्रीमियम भी देता है और आपके फ़ोन को स्क्रैचेस से भी बचाता है। अब प्लास्टिक बैक है, बहुत ही थर्ड क्वालिटी का है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसको किसी और चीज़ों के साथ में रखते हैं, पॉकेट में चाबी वगैरह के साथ रखते हैं, तो आसानी से स्क्रैच आ जाते हैं, जो कि बहुत ही गंदे लगते हैं, तो और साथ में कंपनी कवर तक नहीं देती है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है इसके।
साथ में जो साइड की जो बेजल है वो काफ़ी अच्छे हैं, प्रीमियम लोग देते हैं प्लास्टिक में, लेकिन यहाँ पे भी स्क्रैच आएंगे। जब आप फोन सेकंड हैंड हो जाता है, आप सेल करने जाते हैं, तो छोटी छोटी बातों को वहाँ पे देखा जाता है। यानी कि ये चीज़ बहुत सोचने वाली बात है। साथ में कवर तो देना चाहिए था, आगे उन्होंने कैंपर एक पॉलिथीन लगा रखी है, बट पीछे भी उनको कुछ कवर वगैरह लगा के देना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से डिजाइन जो बनाया है। अगला नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है, यहाँ पर जो कैमरे को आप ओपन करेंगे, हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में इसको सॉल्व कर दिया जाए, लेकिन जब कैमरा ऑन करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा बग फिक्स होता है, मतलब थोड़ा सा लैग करता है फ़ोन कैमरे को ओपन करने में। कई बार आपको इसमें ये लैग का इशू और सॉफ्टवेयर के साथ में भी आएगा, मतलब जैसे कोई और एप्लीकेशन यूज करते हैं, जैसे नॉर्मल एप्लीकेशन, कोई बड़ी एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा बग दिखाई देते हैं। हो सकता है इन फ्यूचर में इसको सॉफ्टवेयर द्वारा सही कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी देखा गया है आईफोन इसका नथिंग फोन 1 नथिंग फोन 2 आए थे, उनमें भी काफ़ी सारे बग्स वगैरह निकल कर आए थे, जो बाद में कि अपडेट आते गए और उन बग्स को काफ़ी हद तक सॉल्व किया गया। तो हो सकता है इसके साथ भी यही हो, और टाइम टू टाइम अपडेट तो मिलने ही वाले हैं। नेगेटिव पॉइंट में आपको ये तो नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे, साथ में आपको नेगेटिव पॉइंट, अब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की बात हो सकता है। पॉइंट जो उसमें पीछे लाइट दी गई है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को काम आए, अच्छी लगे, लेकिन हम अगर देखिए हमारी साइड से कि इन लाइट का कोई उपयोग तो नहीं है। कोई भी अगर आप प्रोफेशनली फ़ोन लिया है और आप कहीं यूज़ करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और चाहो तो लाइटें जल रही हैं, फ़ोन आ रहा है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और ना ही कोई इसमें वॉल्यूम बताते हैं, वॉल्यूम प्लस करके लाइट शो होती है। तो यदि आप सोचिए, अगर मान लीजिए हम फ़ोन को वॉल्यूम, देखिए वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, पीछे लाइट बढ़ रही है, अब कोई ऐसे करेगा क्या? ऐसे करके फ़ोन करके इसको वॉल्यूम बढ़ा के चेक करेगा? फ़ोन सामने देखेगा तभी तो वॉल्यूम चेक करेगा। तो ये कोई कुछ ये फीचर्स यूज़ के नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छे लगे, बट ये इसका जो लाइटिंग वाला फीचर है हमें ज़्यादा पसंद नहीं आया है। साथ में 5000 की एमएच की बैटरी जरूर मिलती है, लेकिन जो चार्ज होने में यहाँ से आराम से 1.5 से 2 घंटे ले लेती है, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। 2 घंटे आप लगने वाले हैं अदर किसी चार्जर से, फास्ट चार्जर से वीक करेंगे तब भी, 45 का चार्जर जो उसका ओरिजिनल आता है उसको लेंगे तो ही आप इसका 1.25 घंटे के अंदर फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। अदरवाइज़ किसी और, अगर आप 67 वॉट से भी आप चार्ज करते हैं, हमने 67 वॉट का चार्जर हमारे पास है एप्पल का, मैक का, और उससे हमने चार्ज किया, उससे भी ये कम से कम 1.5 घंटे से ज़्यादा ही लेता है, 1.5 से 2 घंटे के बीच में आराम से इसको चार्ज होने में लगता है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी है इस फ़ोन के साथ में। कंपनी यहाँ पे सी टाइप देती है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑडियो जैक नहीं मिलेगा, तो आप ऑडियो जो नॉर्मल आपके स्टीरियो ईयरफोन होते हैं उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसकी या तो आपको सी टाइप का ईयरफोन लेना पड़ेगा, या फिर आप ब्लूटूथ का ईयरफोन लेके काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी एक ड्रॉबैक आपको ज़रूर फील होगा। अब आखिरी में बात कर लेते हैं, इस फ़ोन को किन लोगों को लेना चाहिए या किन लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्या कमियाँ और क्या अच्छाइयाँ, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। अब जो लोग एक क्लीन UI चाहते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ प्रॉपर अपडेट आना चाहिए वो चाहते हैं, और ज़्यादा गेम वगैरह नहीं खेलते हैं, नॉर्मल फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, नॉर्मल डेली लाइफ के टास्क करना चाहते हैं, उनके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। फ़ोन काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, पकड़ने में काफ़ी प्रीमियम है, बॉक्स डिज़ाइन की वजह से इनहेल्ड फील अच्छा लगता है। लॉन्ग टाइम में आप फ़ोन को यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो क्लीन UI, सॉफ्टवेयर अपडेट टाइम टू टाइम, और एक प्रोफेशनल अच्छा लुकिंग वाला फ़ोन चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर फ़ोन हो सकता है ये। अब किन लोगों के लिए नहीं है या किन लोगों के लिए थोड़ा सोचना चाहिए, ड्रॉबैक कह सकते हैं उसके, तो जो हैवी गेमर्स हैं या गेमिंग को लिए टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए फ़ोन दूर दूर तक नहीं है, इस फ़ोन से बिल्कुल दूर रहें, गेमिंग नहीं होने वाली है इस फ़ोन में। चार्जर वगैरह आपके पास नहीं है और एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये फ़ोन ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो लोग कवर वगैरह नहीं लेंगे, नॉर्मल फोन चलाना चाहते हैं, तो उनको स्केच आएंगे, तो उनको भी बचना चाहिए। उनको जी लाइटिंग वगैरह पसंद नहीं है, इस तरह का लुक डिज़ाइन नहीं पसंद है, तो उनको लिए भी ये फ़ोन कहीं से भी नहीं लेना चाहिए। और हैवी टास्क के लिए तो बनाया ही नहीं गया, तो यहाँ पे आपको ये हैवी टास्क तो आपको सब देखना पड़ेगा, डे टू डे नॉर्मल लाइफ पे चार्ज टास्क कर पाएगा। कैमरे पार्ट को लेके जाके देखी जाए तो अगर आप कोई प्रोफेशनल कैमरा यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में कैमरे को लेकर काफ़ी अच्छे फ़ोन आते हैं, जो सिर्फ कैमरे पर फोकस करते हैं वो काफ़ी अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे। पोको X6 भी इसके अंदर एक आता है, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। कैमरे के मामले में एवरेज है, नॉर्मल वीडियोस वगैरह बना सकते हैं आप इससे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हैवी मतलब थोड़ा सा अच्छा बेटर परफॉर्मेंस, बेटर कैमरा चाहते हैं, तो और भी आपके पास ऑप्शन है। तो
ये टोटल इसका टोटल एक्सपीरियंस था, आपको अच्छाई और बुराई दोनों बताई हमने। यदि आपको कोई और पार्ट रह गया हो इसके अंदर कोई क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके जवाब हम देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे आज का इस वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम आपके लिए डेली 2 वीडियो लाते हैं जिससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।